बोला डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इतना है और एफ टू जीरो है, एफ एक्स बताना है, मतलब आपको दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 4x³ - 3x⁴। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है और एफ टू की वैल्यू दे रखी है, वो कुछ निकालने के लिए होगी। देखो इतना आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा आपने, एक आंसर आया, ठीक है, तो ये जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस फंक्शन का इंटीग्रल है। क्या है, जैसे आपको याद हो कि अगर मैं बोल रहा हूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो आप यही तो बोलते हो कि कॉस एक्स का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स, यानी ऐसे बोलोगे ना, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर है, इस साइन एक्स के बराबर है। बात समझ में आ रहे, ऐसे तो बोलते हो कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स के बराबर है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कोई हम क्या बोलेंगे, जिसका हमने डिफरेंशिएशन करा, यही तो बोलोगे। तो क्या मैं इस चीज को ये बोल सकता हूं, ये एफ एक्स जो है इंटीग्रल ऑफ किसका 4x - 3/x⁴ किसके बराबर है, इस एफ एक्स के बराबर है। आई बात समझ में, जो शुरुआत हमने बिल्कुल की थी, क्योंकि हमें एफ एक्स निकालना है ना, तो पता तो ये क्या है, फिर सुन लो ध्यान से बात, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आता है, तो आप ये बोलते हो कि कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव या कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स है, यानी जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सेम चीज तो लिखी है कि ये जो आंसर आया है डिफरेंशिएशन का, तो मैं कह सकता हूं ये जो है इंटीग्रल है या एंटी डेरिवेटिव है किसका, इस एफ एक्स का, रिलेट कर लो इस चीज को। तो यानी एफ एक्स बराबर है इसके इंटीग्रेशन के, यानी इसको साइन से अगर प्रॉपर लिखना तो इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं लोग इंटीग्रेशन को, इक्वल टू एफ एक्स। अब कर लो अलग अलग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो चलो 4x³ है, इसकी पावर को ऊपर करना पड़ेगा, अब लगा देंगे फॉर्मूले, ठीक है, चलो एफ एक्स को एलएचएस में लिख देंगे, इसको आरएचएस में, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर दो, 4 कॉन्स्टेंट में बाहर करो, x³ का इंटीग्रेशन, -3 कॉन्स्टेंट में बाहर करो, x⁻⁴ का इंटीग्रेशन। तो 4, अब x⁻n का फॉर्म लगाओ, x⁻n+1 यानी 4/4 आएगा, इसमें लगाओ तो x⁻n+1, तो -4+1 -3 -3+c एफ एक्स, 4 कट गया x⁴, -3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 से 3 कटा, -+ हो गया, x⁻³ - 3+c, यानी हमारा फाइनली एफ एक्स आ गया x⁴ + 1/x³ + c। अब हमारा सी में आंसर आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो सी में आ रहा है, हमारा जो एफ एक्स आया वो आया x⁴ + 1/x³ + c, सी में आ रहा है आंसर। अब आंसर तो सी में नहीं है, उसके लिए तुम्हें एफ टू बराबर जीरो दे रखा है, यानी कि अगर इस वाली कंडीशन में मैं अगर एक्स को टू रख दूं, अगर मैं पूरी कंडीशन में एक्स को टू रख दूं, तो एफ टू इक्वल टू 2^4 + 2^3 + c, एफ टू के लिए जीरो है, 2^4 = 16, 1/8 + 1, तो अगर हम 8 एलसीएम ले लें तो 128 प्लस कितना हो जाएगा, और ये सी है 1, तो ये 129 आएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 129/8 आ जाएगी सी की वैल्यू, इसमें रख दो तो वो आंसर होगा x⁴ + 1/x³ - 129/8। तो कौन सा ऑप्शन है, क्या आंसर ए पार्ट है, ध्यान से देखो, ठीक है, ए पार्ट, समझ में आया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, मतलब समझ में भी आई हो बढ़िया से, आप बताना फीडबैक के लिए, और बाकी मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे समझाने का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स में शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।